आज बुंदेलखंड के जालौन जिले के कोच तहसील के समस्त मदरसों के शिक्षकों एवं छात्रों ने 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में हुए आतंकवादी हमले में हमारे देश के वीर सपूतों को धोखे से आतंकियों द्वारा उन पर हमला किया गया, जिससे 40 जवान शहीद हुए। हम उन शहीद जवानों के परिवारों के दुख की इस घड़ी में उनके साथ खड़े हैं। अतः भारत सरकार से अपील करते हैं कि इस निंदनीय घटना पर जल्द से जल्द कार्यवाही करें, जिससे हमारे देश और उन शहीदों के परिवार वालों को शांति मिल सके, ऐसी घटना फिर दोबारा ना हो सके। कहते हुए नगर के मुख्य चौराहे जैसे पुरानी स्टेट बैंक, लवली चौराहा, घंटाघर, सर्राफा बाजार, सागर चौकी, लक्ष्मीबाई प्रतिमा पर माल्यार्पण कर तहसील परिसर पर पहुंचकर विराम हुआ, जिसमें ममनून अहमद कादरी मेमोरियल पब्लिक स्कूल के प्राचार्य मृदुल गौतम, लियाकत अली आदि बच्चों ने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारों के साथ पूरा नगर गूंज उठा। सभी मदरसों ने, सभी हमारे यहाँ 7 मदरसे हैं, जिसमें से हर मदरसे के बच्चे यहाँ आके शहीद स्मारक में इकट्ठे हुए हैं। जो हमारे पुलवामा में जम्मू कश्मीर में आतंकी हमला हुआ है, जिसमें हमारे 42 जवान शहीद हुए हैं, उसके लिए हम शहीदों को श्रद्धांजलि यहाँ देंगे आज, और पूरे नगर में अपने यहाँ पे रैली निकाल के ये संदेश देंगे कि हमारे देश का बच्चा बच्चा आतंकवाद के खिलाफ लड़ेगा और आतंकवाद को खत्म करने के लिए हम लोग पूरा प्रयास करेंगे और अपनी बात सरकार तक पहुंचाएंगे। और SDM साहब को भी हम लोग ज्ञापन देंगे, हम लोग मुख्य मार्गों से होते हुए सभी जगह रैली करेंगे ताकि लोग जागरूक हों और आतंकवाद को जड़ से खत्म किया जा सके। भारत देश को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? भारत देश को हम ये संदेश देना चाहते हैं कि हम सब भारतीय एक हैं और हमेशा हम एक रहेंगे। हमारा बच्चा बच्चा हिंदुस्तान पर मिटने के लिए तैयार है, यही हमारा संदेश है। आपका नाम क्या है, किस मदरसे? मेरा नाम मोहम्मद नौशाद है, मैं प्रधानाचार्य हूँ दारुल उलूम कलंदरिया का, जवान नगर कोच में है। इस जगह कितने स्कूल के बच्चे आए हुए हैं? हमारे यहाँ 7 मदरसों ने शरीक हुए हैं इसमें कोच के, जो की अलग अलग जगह, लगभग हमारे यहाँ 900,000 बच्चे होंगे सभी मदरसों में।